नमस्कार, मैं भावना सिंह और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। रीवा जिले में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि रीवा जिला सहित अन्य जिलों में भी फर्जी फोन कॉल्स के माध्यम से धमकी भरे फोन करके लोगों को डरा धमका कर पैसा ऐंठने के मामले सामने आ रहे हैं। आज रीवा शहर के सामना थाना क्षेत्र के रविंद्र नगर का एक मामला सामने आया है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि रीवा जिले के एक युवक के पास एक नंबर से फोन कॉल आया, जो अपने आप को दिल्ली के कचमरिया थाने का पुलिस स्टाफ देवेंद्र सिंह राठौर बता रहा था और फोन कॉल पर बोला कि तुम्हारे नाम से 420 का मामला थाने में दर्ज हुआ है। चेक बाउंस फ्रॉडगिरी के तहत मामला दर्ज किया गया है, दिल्ली आओ और अगर दिल्ली आने से बचना चाहते हो तो कुछ पैसे दे दो, अगर ऐसा नहीं करते तो दिल्ली पुलिस तुम्हारे घर आएगी और तुम्हारे घर से तुम्हें पीटते पीटते दिल्ली ले आएगी। आपको बता दें, ऐसा ही मामला एक सप्ताह पहले छत्तीसगढ़ से सामने आया था, जिसमें एक थाने का TI जो अपने आप को बलविंदर नाम से बता रहा था, उसने भी एक युवक के साथ ऐसे ही बात की और बोला कि तुमने ऑनलाइन शॉपिंग की है, तुमने प्रोडक्ट नहीं लिया है और ना ही उसके पैसे जमा किए हैं, तुम्हारे नाम से थाने में शिकायत दर्ज हुई है, अगर तुम बैंक खाते में पैसे नहीं जमा करते तो तुम्हारे घर पर पुलिस आकर तुम्हें पुलिस स्टेशन उठा लाएगी। इस मामले को रीवा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लेते हुए आमजन से मीडिया के माध्यम से अपील की है कि ऐसे फर्जी कॉल्स का बहिष्कार करें, किसी के झांसे में न आए, अगर कोई फोन है तो इसकी शिकायत थाने में तत्काल करें। ये ऑनलाइन जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जिसमें खास तौर से झारखंड, जामतारा, राजस्थान, इधर का जो यूथ गैंग है वो बहुत एक्टिव रहता है इन सब चीज़ों के लिए, और लगातार इस तरह की कॉल करना, लोगों को परेशान करना और कभी लालच के माध्यम से, कभी डर के माध्यम से लोगों के साथ फ्रॉड करना, ये उनकी मॉडस ऑपरेंडी है। इसमें लोगों से ये कहना चाहेंगे रीवा पुलिस की तरफ से कि आप लोग थोड़ा जागरूक रहें, जानकारी में रखें, किसी के लालच में नहीं आए। लोग क्या है, स्नैपडील में आपको ये बम्पर प्राइस मिल रहा है, OLX पे आपको कोई नई गाड़ी बड़ी सस्ती दामों में कोई देने को तैयार हो जा रहा है, या इसके अलावा और भी बहुत सारे कि टावर लगा देंगे आपके यहाँ, आपको लाखों की आमदनी शुरू हो जाएगी, और भी बहुत सारे तरीके अपना रखे, नए नए तरीके अपनाते हैं लोग, जो आपने आप बताया कि साहब दिल्ली पुलिस का नाम लेके डरा धमका के लोगों से पैसे ऐसे की कोशिश करने की जो कॉल आ रही है फर्जी, उसमें भी लोग सचेत रहें और लोग ध्यान दें कि ऐसे किसी भी उस प्रकरण में ना आए। अगर कोई ऐसी जानकारी उनको प्राप्त होती है कुछ भी करने के पहले, एक बार पुलिस से संपर्क कर लें, पूछताछ कर लें, पुलिस उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। धन्यवाद। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।